तो फ्रेंड्स, मैं हूँ कैप्टन कृतिका। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चे के वेट के बारे में, कि हम बच्चे के वेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एवरेज वेट बता दूँ। अगर बच्चा 1 साल का है तो बच्चे की वेट 7.5 किलो से 11.5 किलो के बीच में कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉर्मल। 2 ईयर्स का है तो 9.5 से 15.5 किलो इज नॉर्मल। 3 ईयर्स का है तो 10 से 17.5 किलो तक नॉर्मल है। तो दिस इज जस्ट एन एवरेज वेट, और मोस्टली सारे बच्चे इस वेट के कैटेगरी में आ जाते हैं। बट स्टिल मदर्स आर वेरी कंसर्न कि मेरा बच्चा अंडर वेट है, मैं इसका वजन कैसे बढ़ाऊँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले दूध और दही की बात करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देते हैं बच्चे को। इसमें आपको चेंज क्या करना है, वो ये करना है कि मलाई जो हम निकाल के देते हैं, छान के देते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद है, वो मिला कर देना है। वो कैसे मिलाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बच्चे पीते नहीं, मेरे खुद के बच्चे छनवा के पीते हैं दूध को। ब्लेंड कर दीजिए मलाई को, मलाई को छोड़िए मत, ब्लेंड करके दीजिए। फिर दूध को आप अलग अलग शेक बना सकते हैं, जो भी फ्रूट्स उनको पसंद है वो मिला के, मलाई अच्छे क्वांटिटी में मिला के, फ्रेश मलाई जो दूध में आया हुआ है उसी मलाई को मिलाकर। और दही को योगर्ट का योगर्ट स्मूदीज बन सकता है, सेम वैसे ही मलाई मिलाना है दही का, उसको छोड़ना नहीं है। सो दिस इज टिप नंबर 1। इसके अलावा आप फ्रूट्स तो ऑलरेडी देते हैं बच्चों को, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कैलोरीज वाले फ्रूट्स हैं वो है चीकू, मैंगो और केला। इनमें से ये चीकू और मैंगो सीजनल है, बट केला ऑलमोस्ट हर टाइम अवेलेबल रहता है। तो प्लीज़ इंक्लूड दिस 3 फ्रूट्स जब भी पॉसिबल हो, अगर आपका मेन कंसर्न वेट बढ़ाना ही है तो। सो डू दैट। अदर देन दैट, जैसे मैंने एक बार बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास लेके गई थी, तो एक मेरे आगे जो पीडियाट्रिशियन को दिखा रहे थे बच्चे को, उन्होंने पूछा, मैं अपने बच्चे को इतना घी खिलाती हूँ फिर भी इसका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि अगर वजन बढ़ाना है तो घी मत खिलाइए, तेल खिलाइए, तेल से वजन बढ़ेगा। हालांकि आई टोटली नॉट अग्री, डिसअग्री, यू कैन से डिसअग्री विद इट, बिकॉज हेल्थ भी कहीं ना कहीं मायने रखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि वेट बढ़ाना है कैसे भी करके। सो जितना हेल्दी हो उतना ही तेल दीजिए, बट इट इज़ अ पॉइंट कि हाँ, घी से वजन नहीं बढ़ता बट तेल से बढ़ता है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दैट। अदर देन दैट, चीज़ दे सकते हैं, चीज़ सैंडविच में, पिज़्ज़ा टॉपिंग, और भी बहुत सारे फॉर्म में। सिर्फ चीज़ भी खाते हैं काफ़ी बच्चे, मेरे दोनों बच्चे हेट चीज़, आई डोंट ईट चीज़ एट ऑल, बट दे डू लव पोटैटो, उनको आलू बहुत पसंद है, आलू इन एनी फॉर्म, एंड ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आलू पसंद होता है। तो ट्राई टू इंक्लूड आलू, आलू में बहुत कैलोरीज होता है, और हम सबको पता है आलू खाने से मोटा होता है। आलू बहुत तरीका से दे सकते हो आप, यू कैन सर्च इन यूट्यूब एंड गेट ट्यूटोरियल्स टू। फ्रेंच फ्राइज़ दे सकते हैं, अगर आपको थोड़ा हेल्दी रख के देना है तो आप फ्रेंच फ्राइज़ को एयर फ्राइड में बना सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, एंड यू कैन गिव आलू शकरकंदी, आलू का दूसरा फॉर्म चाट बना के दे सकते हैं शकरकंदी का, सो यू कैन डू दैट। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो होता है उसको सिर्फ दिवाली के लिए सेव ना करें, ड्राई फ्रूट्स को आप हर दिन दे सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है, मतलब 1 से 2 साल का है, चबाना नहीं जा सकता, से अखरोट हुआ, बादाम हुआ, वो ऐसे नहीं खा सकता, तो आप उसका ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना के भी रख सकते हैं, उसे दूध में मिला के, या दूध में मिला के, कैसे भी, जैसे भी पसंद है बच्चे को। आप इसका ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, आप सर्च कर सकते हो एंड यू कैन गिव दैट। इसके अलावा जो भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, इसमें से कोई भी चीज़ 8 महीने से छोटे बच्चे को मत दीजिएगा, और 1 साल के बाद के बच्चे को आप अच्छी क्वांटिटी में दे सकते हैं, बट उससे पहले इतना ही दीजिए कि वो डाइजेस्ट कर सके। ये तो बात थी कि वजन कैसे बढ़ानी है, अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पसंद करूँगी। मेरे जो जुड़वा बेटे हैं 3 साल के हैं, और उनका वजन है 11.5 किलो और 12.5 किलो, 1 11.5 का है, 1 12 का, उनके हाइट में भी थोड़ी सी डिफरेंस है, इस वजह से वेट भी डिफरेंस है, बट दोनों ही पतले हैं। एक तो बहुत ज़्यादा पतला है, और मुझे सब बोलते हैं ये इतना पतला है, इतना पतला है, इसे कुछ खिलाती क्यों नहीं। आप बोले खुद का बच्चा पतला है और ये वीडियो बना रही है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा पतला है या मोटा है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने ये सब जो भी आपको बताया ये मैंने रिसर्च करके इस पर वीडियो बनाया। मैं खुद यूज़ नहीं करती हूँ, ऑफकोर्स मैं ये सारी चीज़ों देती हूँ, बट इस एम से नहीं कि मुझे वजन बढ़ाना है, क्योंकि इट डजेंट मैटर्स टू मी कि बच्चे का वेट क्या है, जब तक वो हेल्दी है, एक्टिव है।
आप सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान दीजिए, अगर बच्चा हर माइलस्टोन को कवर कर रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, हर चीज़ टाइम से सीख रहा है, बोलना पढ़ना खेलना सब कुछ, और एक्टिव है, डल नहीं है, हर टाइम सुस्त नहीं रहता, तो देर इज़ नथिंग टू वरी। तो आप क्यों, अगर वो बच्चे में एनर्जी नहीं है तो वो खेलेगा कैसे, नाचेगा कूदेगा कैसे, एक्टिव रह रहा है तो ही इज़ हेल्दी, फाइन। आई एम लीस्ट कंसर्न, हाँ इम्यूनिटी वीक है तब आपको कंसर्न रहने की ज़रूरत है कि मैं क्या खाने दूँ। तो आप ये सर्च मत करिए कि बच्चे को मोटा कैसे करें या वजन कैसे बढ़ाए, ये सर्च करिए कि बच्चे को कैसे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, वो होगा राइट सर्च आपका करने का, तब आप इस उस टाइप के वीडियोज़ पर जाएंगे। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, सब लोग बोलते हैं, मदर्स को बोलते हैं, आप बहुत ओवरवेट हो रहे हो, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए खाना, ये करना चाहिए। तो जब आप मदर्स को चाहते हो कि वजन कम हो और पतले रहे, तो बच्चे को मोटा क्यों करना चाहते हैं? आई डोंट गेट, मेरे को समझ में नहीं आता ये बात। जब आपको पता है कि बच्चे बड़े हो या बच्चे जब पतले रहेंगे, पतले नॉट इवन वेरी थिन बट मतलब ठीक है थोड़े पतले हैं तो वे हेल्दी है, तो आप बच्चों को भी वैसा क्यों नहीं, हम लोग उसी नज़र से क्यों नहीं देखते, क्यों हम लोग सब सोचते रहते हैं कि बच्चे को मोटा होना चाहिए मोटा होना चाहिए। हेल्दी है, इग्नोर एवरीवन, कोई भी आपको सलाह दे रहा है ऐसे करो मोटा करने का, वैसे करो मोटा करने का, या फिर मोटा होना चाहिए, प्लीज़ डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। अनलेस एंड अनटिल बच्चा इज इनएक्टिव, अगर एक्टिव नहीं है तभी आपको कंसर्न रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज प्लीज़ बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट हेल्प इन सम वे। थैंक यू।